पल से खबर जहां मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर निशाना, दिग्विजय के लिए एमपी का कोई नेता प्रचार नहीं कर रहा है, राजस्थान से नेता बुला रहे हैं और उत्तर प्रदेश से मौलवी, राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह, देश और प्रदेश में ढूंढने से नहीं मिलेगी कांग्रेस, मम्मी की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं राहुल। विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ हैं सर, भोपाल महत्वपूर्ण सीट, विदिशा, गुना, राजगढ़, कैसा रुझान देख रहे हैं? प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतने वाली है, कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। सर आपका 400 पार का दावा है, आज गहलोत जी आए हैं मध्य प्रदेश में, राजगढ़ जा रहे हैं दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने, उनका ये कहना है कि मोदी की गारंटियों पर जनता को भरोसा नहीं है, इसलिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतदान कम हो रहा है। अब देखिए, ये तो निश्चित हो ही गया कि दिग्विजय सिंह जी के लिए मध्य प्रदेश का कोई नेता प्रचार करने नहीं जा रहा, इसलिए आयात कर रहे हैं राजस्थान से, कहीं उत्तर प्रदेश से मौलवी बुला रहे हैं राजगढ़ में प्रचार करने के लिए दिग्विजय सिंह, या फिर कहीं और प्रदेश से नेता बुला रहे हैं, वो राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहते हैं, वो राजगढ़ में धर्म का विभेद करना चाहते हैं, जाति का विभेद करना चाहते हैं। जो व्यक्ति राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहता है वो क्या कभी जीत पाएगा? वो व्यक्ति जो राम का विरोध करता है, राम मंदिर का विरोध करता है, जो हिंदू धर्म का विरोध करता है, हिंदू धर्मावलंबियों का विरोध करता है, जो जाकिर नायक जैसे आतंकवादी को शांति का दूत कहता है, वो दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती। अमेठी सीट कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने छोड़ दिए, वहां से अब केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी रायबरेली। अरे देखिए, जहां जहां पैर पड़े तो संतन के ताता भंटा धार, यदि राहुल गांधी इतने ईमानदारी से राजनीति करते तो वायनाड लोकसभा सीट की मतदान के पहले घोषणा करते ना कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उस समय तो उन्होंने नहीं कहा। अब अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे? पहले उन्होंने अपने पिताजी की सीट अमेठी को बर्बाद किया, अब अपनी मम्मी की सीट रायबरेली को भी बर्बाद करेंगे, और 55 साल की उम्र में कोई व्यक्ति मम्मी की गोदी में बैठकर राजनीति करता, ये मैंने पहली बार देखा है। रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका डरपोकपन, उनका रणछोड़ दास की जो उनकी छवि है वो उसको स्थापित करता है, रायबरेली से बुरी तरह हारेंगे।